मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार की सुबह पहले तो धूप निकली और पारे में उछाल आने लगा, लेकिन फिर बादल छाने लगे और 10:10 पर बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में करीब 5 से 15 मिनट तक बारिश हुई, लेकिन बाद में बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग ने शहर में बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की आशंका जताई है। हालांकि बारिश थमने के बाद एक बार फिर धूप निकली और गर्मी का एहसास होने लगा। इंदौर में जहां गुरुवार को पारा 39 डिग्री को पार कर गया था, तो वहीं शुक्रवार की सुबह भी मौसम साफ था। करीब 9 बजे से बादल छाने लगे और लगने लगा कि जोरदार बारिश होगी। लगभग एक घंटे बाद तेज बारिश हुई जो 5 से 15 मिनट तक चलती रही और बूंदाबांदी के बाद बारिश बंद हो गई। अचानक हुई बारिश से मौसम में थोड़ी देर के लिए ठंडक घुल गई। मौसम वैज्ञानिकों ने आज और कल यानी शनिवार तक इंदौर संभाग में कई जगह हल्की पल्की बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही दिन भर बादल छाए रहेंगे और इसके चलते तापमान में तो गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन बारिश के बाद पड़ने वाली उमस लोगों को खासा परेशान करेगी।